नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे टॉक के इस वीडियो में। दोस्तों, राजस्थान सीटी एग्जाम के माध्यम से लगभग 20,000 पदों पर भर्तियां होने वाली है और 15 अगस्त से सभी भर्ती की प्रक्रियाओं को शुरू कर दिया जाएगा। यहां पर दोस्तों जो भास्कर न्यूज़पेपर है उसके हवाले से ये अपडेट निकल कर आई है कि आरएसएम एसएसबी सीटी एग्जाम की तैयारी कर चुका है। वो 20,000 पद कौन कौन सी भर्तियों के हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। 12वीं स्तर के कौन से पद है और ग्रेजुएशन स्तर के कौन से पद है जिनके ऊपर भर्तियां करवाई जानी है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, आप लोगों को ये समझना है कि कौन कौन से वैकेंसी अब आने वाली है सीईटी के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, ये क्लियरली बताया गया है कि पहली बार राजस्थान में 12वीं स्तर की भर्तियों में सम्मान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी जो है वो लागू करने की तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि जो सीईटी की जो प्रक्रिया है वो 15 अगस्त से शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं 15 अगस्त से जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी और 20,000 पदों पर, यहाँ पर ये क्लियर मेंशन किया गया है कि 20,000 पदों पर सीईटी के माध्यम से भर्तियां होगी और परिणाम की जो वैधता है, सीईटी के जो परिणाम की वैधता है वो आपकी 1 वर्ष रहेगी, ये सभी को पता है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि प्रदेश में पहली बार स्नातक व 12वीं स्तर की कई भर्तियों में सम्मान पात्रता परीक्षा का पैटर्न लागू किया गया है। इसके जरिए स्नातक स्तर के 3,000 और 12वीं स्तर के 17,000 पदों पर नई भर्तियां प्रस्तावित है। तो जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम की बात करें तो 3,000 पदों पर भर्ती होनी है और 12वीं स्तर की बात करें तो 17,000 पदों पर ये भर्तियां करवाई जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी विभागों से भर्तियों की डिटेल मांगी है। सीटी के जरिए होने वाली कई भर्तियों की अभ्यर्थना बोर्ड को मिल चुकी है जबकि कुछ पदों की अभ्यर्थना का इंतजार है। इनमें बड़ी भर्तियों में एलडीसी और कांस्टेबल की भर्ती है। अभी यहाँ भी ये भी स्पष्ट किया गया है कि एलडीसी में इस बार कितने पद रहने हैं और कांस्टेबल में कितने पद रहने हैं। सम्मान पात्रता परीक्षा के बाद 15 गुना अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा में पात्र घोषित किया जाएगा। दूसरे चरण की परीक्षा की मेरिट के जरिए भर्ती होगी। सीईटी के परिणाम की वैधता अवधि 1 साल रहेगी। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा के अनुसार सीईटी की जो प्रक्रिया है वो 15 अगस्त के बाद में शुरू होगी। यहां पर यह बताया गया है कि जो 12वीं लेवल की भर्तियां हैं उनके अंदर देखिए छात्रावास अधीक्षक 48 पदों पर भर्ती होगी। उसके बाद में यहाँ पर एलडीसी की 3 सेवाओं, सचिवालय सेवा लिपिक ग्रेड द्वितीय, अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा के कनिष्ठ सहायक और आरपीएससी लिपिक वर्गीय सेवा के लिपिक ग्रेड सेकंड के करीब 13,000 पदों पर भर्तियां होगी। तो यहाँ पर देखिए एलडीसी की 14,000 पदों की बात की गई थी तो कहीं ना कहीं 13,000 प्लस या 14,000 के आसपास ही इसमें पद रहने हैं क्योंकि बीच में ये भी खबर आ रही थी कि 8,000 पद होंगे, 8,400 पद होंगे या फिर 10,000 पद होंगे। तो यहाँ पर अभी यही माना जा रहा है कि लगभग 13 से 14,000 पदों पर ये भर्ती होनी है। अब अखबार के अंदर ये चीज आई है तो कहीं ना कहीं विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है तभी ये छपा हुआ है। कांस्टेबल के करीब 4,000 पदों पर सीटी के माध्यम से भर्ती होगी। अब कांस्टेबल की दोस्तों बात कर रहे थे कि 8,000 के आसपास पदों पर भर्ती होनी है तो यहाँ पर अगर कांस्टेबल की बात करें तो 4,000 पदों की बात की गई है। बाकी दोस्तों कोई नई अपडेट न्यूज निकल कर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद में आबकारी अधीनस्थ सेवा के जमादार ग्रेड सेकंड के पद की अभ्यर्थना अभी आनी बाकी है तो ये भी एक नई भर्ती यहाँ पर निकल कर आने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी भर्तियां जो है वो आपकी होने वाली है। यहाँ पर होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर की भर्ती होगी 50 50 पदों पर। अभियांत्रिकी अधीक्षक पटवारी सिंचाई सेवा की 272 पदों पर भर्ती होगी। और इसके बाद लेखा सेवा कनिष्ठ लेखाकार, मैंने आपको बताया था कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती आएगी तो ये भी सीईटी के माध्यम से करवाई जाएगी। इसमें 1,983 पद है। फिर राजस्व लेखाधिकारी की पोस्ट है, तहसील राजस्व लेखाकार, इसमें 198 पद रहने वाले हैं। महिला अधिकारिता, मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि सुपरवाइजर की वो जो भर्ती है उसमें 74 पोस्ट की बात की गई है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैंने ये भी बोला था कि इस भर्ती का आपको बहिष्कार करना होगा तभी इसमें पद बढ़ाए जाएंगे। उप जेलर के 49 पदों पर भर्ती होगी और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के 200 पदों पर यहाँ पर भर्ती करवाई जाएगी। तो ये जो सभी भर्तियां हैं ये सभी ग्रेजुएशन लेवल की होने वाली है। अगर 12वीं स्तर की बात करें तो एलडीसी की बहुत बड़ी भर्ती होगी, साथ में जो कांस्टेबल है उसकी बड़ी भर्ती होने वाली है। तो तैयारी में लग जाइएगा, उम्मीद है ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो सेशन को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सीईटी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप जरूर ज्वाइन करें। वो स्पेशली सीईटी के कैंडिडेट्स के लिए है तो जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।